आज हम पार्ले जी बिस्किट से स्विस रोल बनाएंगे, जो बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है और इसे बिना किसी झंझट के आप बना के इंजॉय कर सकते हैं। चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्विस रोल बनाने के लिए हमने यहाँ 2 पैकेट्स पार्ले जी के लिए हैं। हम इन पैकेट्स को खोलेंगे और इनके छोटे छोटे पीस करते हुए एक ब्लेंडिंग जार में सारे पीसेस को हम डाल देंगे। सारे छोटे छोटे पीसेस हमने कर लिए हैं। अब यहाँ हम 1/3 कप चीनी ऐड करेंगे। वैसे पार्ले बिस्किट्स मीठे तो होते ही हैं, लेकिन हम थोड़ी चीनी और डालेंगे जिससे कि हमारे स्विस रोल बिल्कुल परफेक्ट मिठास के साथ बनकर तैयार होंगे। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसे ग्राइंड कर लिया है और मिक्सी को चलाते वक्त मैंने 2 बार बीच बीच में इसे चमचे से चला लिया था, जिससे कि ये बहुत अच्छे से ग्राइंड होकर के तैयार है। अब यहाँ हमने एक बाउल लिया है जिसमें हम सारा बिस्किट के मिक्सचर को छान लेंगे। हम अच्छे से हमने छान लिया है। इसमें चीनी और बिस्किट के जो मोटे टुकड़े रह गए हैं हम इसे अलग कर देंगे। हमने 1/2 कप दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालते हुए मिक्स करते जाएंगे। दूध हमने रूम टेम्परेचर का ही लिया है, ना ही ये गर्म है और ना ही ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। बिल्कुल हमें इस तरह का घोल बना लेना है। बहुत ज़्यादा इसे हमने ना गाढ़ा रखा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखा है। और 1/2 कप दूध में यहाँ हमारा थोड़ा सा ही दूध रह गया है। यहाँ हम 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे और मिक्स कर लेंगे हल्के हल्के हाथों से। और यहाँ स्लो फ्लेम रख के मैंने तवे को गर्म पे चढ़ा दिया है। हम इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। आप घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम सारे मिक्सचर को तवे पर डाल देंगे। तवे को घुमाते हुए इवेनली स्प्रेड कर लेंगे। ये हमने इवेनली स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम रखते हुए 5 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और हम इसे चेक कर देखेंगे। इसमें बबल्स दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है ये अच्छे से कुक हो गया है। हम टूथपिक से चेक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लीन आ रही है। स्पैचुला की हेल्प से बटर पेपर पे निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छी तरह से ये कुक हुआ है और बहुत अच्छा इसमें कलर आया है। हम 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रखेंगे। और जब तक हम इसकी व्हिप क्रीम तैयार कर लेंगे। व्हिप क्रीम तैयार करने के लिए हमने एक बाउल में 1/2 कप व्हिपिंग क्रीम ली है। इसे हम अच्छे से व्हिप कर लेंगे और ये बहुत ही इजीली 3 से 4 मिनट में हमारी व्हिप क्रीम तैयार हो जाती है। हमारी व्हिप क्रीम तैयार है। हमारा केक भी ठंडा हो गया है। अब हम इसके ऊपर व्हिप क्रीम लगाएंगे, अच्छे से स्प्रेड कर देंगे स्पैचुला की हेल्प से। आप इसे नाइफ या स्पून से भी लगा सकते हैं। अच्छे से हमने सब तरफ स्प्रेड कर दिया है। अब हम बटर पेपर से इसको रोल करते जाएंगे। ये हमारा रोल बन गए तैयार है। बहुत ही इजीली ये फोल्ड हो जाता है इस तरह से। अब हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए। 10 मिनट बाद हम इसे चेक कर देखेंगे। बहुत अच्छे से ये सेट हो गया है। आप इसे इस तरह से भी पीस कर सकते हैं। हम इसके ऊपर व्हिप क्रीम लगा लेंगे अच्छे से स्प्रेड करते हुए। हम इसके दोनों साइड से किनारे काट देंगे। यहाँ मैंने येलो फूड कलर लिया है जिसको मैं ब्रश से थोड़ा थोड़ा सा छिड़क दूंगी। इससे क्या होगा, हमारा स्विस रोल खूबसूरत दिखाई देगा। अब हम इसके बहुत ही केयरफुली पीसीस कर लेंगे। इस तरह से हम दूसरा पीस भी काट लेंगे। यहाँ मैं आपको एक चेक कर दिखाऊंगी कितना टेस्टी हमारा और कितना सॉफ्ट हमारा स्विस रोल बनकर तैयार हुआ है। और इसे पार्ले जी बिस्किट से बनाना तो बहुत ही आसान है। बिना किसी झंझट के आप इसे बहुत ही इजीली बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो 1 टाइम सब्सक्राइब ज़रूर करें। फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं आपको मेरी पार्ले जी बिस्किट की स्विस रोल की रेसिपी कैसी लगी।